आ गई रानी मधुमक्खी। नागिन का महामुकाबला। शेषा का आखिरी वार। ऋतिक की मोहब्बत हुई कुर्बान। शिवन्या की अब जाएगी जान। सास बहू और बेटियां आज आपको दिखाएगा कलर्स के टॉप शो। नागिन के सेट पर महाड्रामा। शिवन्या की सिसकियां और ऋतिक की ये तड़प महज एक ट्रेलर है नागिन के फाइनल एपिसोड का। और इस तड़प की वजह ये है, ये खूबसूरत मधुमक्खी। भाई लीजिए, आ गई है शो में एक और इच्छाधारी मधुमक्खी। भाई ये नागिन शो है इस वक्त का सबसे बड़ा शो। शो में आ गई है शिवन्या की एक और दुश्मन, और ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी। She's the queen of the Maheshmati clan. She has the power of the bees and that's how she attacks. और ये नागमणि के लिए सारा फाइट हो रहा है। नागमणि की चाहत इस इच्छाधारी मधुमक्खी को नागिन के घर भी ले आई। और जरा इनका ये तेवर देखिए। सुनहरे कॉस्ट्यूम में चमचमाती सी झलक, आखिर इनके इरादे क्या हैं? अगर आप हनीकॉम देखेंगे तो वो डीप गोल्ड एंड यू नो ऑल ऑफ दोस कलर्स, सो या दैट्स व्हाई गोल्डन। कहीं तो होगा महाराणा प्रताप सिंदूर तेरे नाम का जैसे दर्जन भर सीरियल करने के बाद आशिका गरोड़िया अब नागिन पार्ट टू का हिस्सा होंगी। और इसीलिए इस मधुमक्खी को नागिन पार्ट वन के फाइनल एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि ये है नागिन का आखिरी सिलसिला जिसमें शेषा और रानी ने हाथ मिला लिया है। महेशपति एक किंगडम है जो हनी बीज का है एंड आशिका इज द क्वीन ऑफ इट। सो वो मेरे साथ, मैं उनके साथ मिल गई हूँ ताकि नागमणि ले और मैं भी पूरी किंगडम पर राज करूँ। और उसके बाद सारे दुश्मनों ने मिलकर शिवन्या के साथ जो किया वो आपके सामने है। शेषा के वार पर वार और ऋतिक के प्यार की हार, यही है नागिन की डेस्टिनी। फिर से देखिए शिवन्या का एक और डेथ सीक्वेंस। शेषा शिवन्या की फाइट हो रही है। शिवन्या को वापस पावर्स मिल चुके हैं थोड़े टाइम के लिए। सो नागमणि बजा रही है और मैं नागमणि लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो वॉल है महेशमती और हमारे महेशमती की जो वॉल है जो कोई नहीं तोड़ सकता, 25 साल से वो लोग वेट कर रहे हैं कि सिर्फ एक इच्छाधारी तोड़ सकती है। सो मैं तोड़ने जा रही हूँ उस वॉल को सो दैट दे कम एंड हम जाके नागमणि लेंगे एंड देन पूरा किंगडम रूल करेंगे। तो इसलिए वहाँ से शिवन्या रोक रही है उस दीवार को टूटने से और मैं तोड़ रही हूँ उस दीवार को। कुल मिलाकर नागिन का फाइनली अंत आ चुका है। अब आखिर में क्या ट्विस्ट आएगा, भाई ये तो सस्पेंस है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर बता दें कि नागिन का जल्द ही बैकअप होने वाला है और इसके बाद नया सीजन शुरू होगा नागिन 2 छोटे से एक ब्रेक के बाद। भाई नागिन को भी तो आराम चाहिए ना। मुंबई से पूजा त्रिवेदी के साथ आज तक ब्यूरो।